सियासत किस तरह से रंग बदलती है उसकी वानगी हमने मध्य प्रदेश में खूब देखी। अब शिवराज सिंह चौहान सत्ता में हैं तो बदले की राजनीति भी शुरू हो गई है। शिवराज सरकार कमलनाथ सरकार के सत्ता में रहते आखिरी 6 महीनों में लिए गए फैसलों की जांच करवा रही है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता से विदाई के बाद मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस को वापसी का कोई मौका नहीं देना चाहते। शिवराज जानते हैं कि उपचुनाव में कांग्रेस अगर भारी पड़ गई तो एक बार फिर उनके हाथ से सत्ता जा सकती है, लिहाजा शिवराज ने अपना किला मजबूत करना शुरू कर दिया है, जिसके साथ ही एमपी में बदले की राजनीति भी जोर पकड़ने लगी है। पहले कमलनाथ सरकार शिवराज सरकार की फाइलें खोल रही थी, टारगेट पर बीजेपी के बड़े नेता थे, अब शिवराज भी उसी राह पर चल पड़े हैं। कमलनाथ सरकार के आखिरी 6 महीनों में लिए गए फैसलों की जांच करवाई जा रही है। मंत्रियों का समूह फाइलों की जांच कर रहा है। अब तक 2 बार मंत्री समूह की बैठक हो चुकी है। इस कड़ी में पूर्व सीएम कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा में हुए 12,000 करोड़ के कामों की फाइलें सरकार ने तलब की। कुल मिलाकर देखा जाए तो जांच के जरिए शिवराज सरकार पूर्व सीएम कमलनाथ को लपेटने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हर जांच के लिए तैयार है, साथ ही कहा है कि शिवराज सरकार अपनी विफलता छिपाने के लिए सब कुछ कर रही है। अब मध्य प्रदेश में बदले की राजनीति तूल पकड़ती नजर आ रही है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां उपचुनाव में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती हैं। लिहाजा दांवपेच का ये सिलसिला फिलहाल यूं ही देखने को मिलता रहेगा। अब इन सब के बीच मध्य प्रदेश की जनता किस पर भरोसा जताती है, ये तो उपचुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।